पहली बात है कि हम इस वैक्सीन की जर्नी में एक अच्छे मुकाम पे पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये हमें उम्मीद देता है, होप देता है। और इसमें हमारे देश को अग्र श्रेणी में हम देखते हैं जब, तो गर्व भी होता है और प्रॉमिस भी हमें दिखाई देता है, अपने लिए ही नहीं बल्कि सारे विश्व के लिए, मानवता के लिए। अब कल की खबर है कि 2 वैक्सीन्स ने रिएक्टोजेनिसिटी दिखाई, इम्यूनोजेनिसिटी दिखाई, वुहान वैक्सीन ने और ऑक्सफोर्ड वैक्सीन ने, और उन्होंने ये भी दिखाया कि ये सेफ़ है, माइल्ड से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं और टी सेल रिस्पॉन्स भी आती है। तो ये जो आया है नतीजा, ये हमें और भी एनकरेज करता है। और हमें उसमें ये भी बात दिखाई देती है कि उनमें से एक वैक्सीन जो है ऑक्सफोर्ड वैक्सीन है, उसके जो बनना है, उसका मैन्युफैक्चरिंग जो है ऑलरेडी हमारे एक अच्छी कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट, उनके साथ उनका एग्रीमेंट है। और हमारी ये एक बहुत अच्छी शिरोमणि कंपनी जो लाखों करोड़ों वैक्सीन्स पहले बना चुकी है, अभी तक के जो कार्यक्रम हैं वैक्सीन के, वो आगे बनाने में सक्षम है और मिलियंस ऑफ डोजेज बनाने की ताकत रखते हैं। और वो क्योंकि वो फेज़ 1 फेज़ 2 के अब रिजल्ट्स आगे हैं, मैं समझता हूं कि वो अब तैयार हैं कि वो फेज़ 3 देश में करने के लिए आगे बढ़ेंगे। और इस तरह से हम सारा देश एक वैक्सीन की तरफ आगे बढ़ रहा है इस वैक्सीन के द्वारा। इसके अलावा आपको मालूम है कि भारत के इंडिजिनस 2 वैक्सीन फेज़ 1 फेज़ 2 ट्रायल में आगे हैं और वो अपने तरीके से इस जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं। वैक्सीन जैसे जैसे उपलब्ध होंगे, जैसे जैसे उनमें सक्सेस आनी शुरू होगी, स्टॉकपाइल बनना शुरू होगा, मैन्युफैक्चरिंग शुरू होगी, तो भारत सरकार किस तरीके से इसको किस तरह से सब नीडी जो व्यक्ति हैं उन तक पहुंचना है, उसको किस तरह से लिया जाएगा, इसकी चर्चा ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। और हम अपनी तैयारी में कोई भी चूक नहीं रखेंगे कि इस वैक्सीन को अगर कोल्ड चेन से पहुंचना है तो कैसे पहुंचे। ये अगर वैक्सीन एडल्ट्स में दिया जाना है, आज तक जो वैक्सीन है तो बच्चों को देते थे, 2.5 करोड़ बच्चों को दे जाते हैं 4-5 बारी फर्स्ट ईयर में। अब जब सबको देना है, पता नहीं 2 डोज भी देना पड़े और सब तक पहुंचना है, तो ये एक नया एक डायमेंशन है। ये पहले किसी ने ये डायमेंशन नहीं देखी इस प्लेनेट पे। देश को तो एक तरफ छोड़ ही दीजिए, लेकिन आप जानते हैं कि देश इस तरह के मुहिम के काम करने में पूरी तरह से सक्षम है। हमारे इलेक्शंस जो होते हैं वो एक बहुत नतीज दिखाते हैं, कैसे हम सारे धरातल तक पहुंच के एक इफ़ेक्टिव प्रोटोकॉल ड्रिवन कार्यक्रम को हम कार्यान्वित करते हैं। तो जैसे जैसे वैक्सीन की और अवेलेबिलिटी की ओर हम बढ़ रहे हैं, अफोर्डेबल अवेलेबिलिटी की ओर बढ़ रहे हैं, उसी तरह से इन पैरेलल उसको कैसे धरातल तक लेके जाना है, कैसे पहुंचना है, वो थिंकिंग, वो डिस्कशन, वो प्रोग्राम भी साथ साथ बन रहे हैं। द रिसोर्सेज नीड टू बी सप्लीमेंटेड, दैट विल बी एक्टिवली कंसिडर्ड। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड टू एंश्योर दैट पीपल ऑफ इंडिया एंड the international community has access to an Indian vaccine at the earliest possible. So every possible facilitation will be ensured, making sure that the vaccine trials are done with scientific rigor, ethical rigor, and we arrive at a vaccine option that's affordable. Therefore, all efforts will be made.